अलवर शहर में आज श्री वीर हडमल रायका सेवा समिति के द्वारा रायका गौरव दिवस मनाया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और शहर में एक रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम के सदस्य दिलीप ने बताया कि आज वीर रायका गौरव दिवस मनाया गया, जो रायका समाज के लिए बड़ा सहयोग वाला दिवस है। आज समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी लाल साफा धोती कुर्ता पहनकर आए और राष्ट्रीय प्रतीक रेवाड़ी समाज का ऊंट साथ रहेगा। कार्यक्रम के वन मंत्री संजय शर्मा व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। यह रैली स्वरूप विलास से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। रैली एसएमडी सर्किल, नगली सर्किल, भगत सिंह सर्किल, काशीराम चौराहा, घंटाघर, होप सर्कस से होते हुए वापस स्वरूप विलास पहुंची और यहाँ सभा आयोजित की गयी। आज राष्ट्रीय ऊंट दिवस के उपलक्ष्य में यह पूरा कार्यक्रम किया जाता है। जय श्री राम, जय वीर हडमल रायका की। ये आज 22 जून 2024 को श्री वीर हडमल रायका गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जो हम रायका समाज के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग वाला दिवस है और हमारी सभी क्षेत्रों से पूरी समाज यहाँ उपस्थित है। एक संस्कृति, एक ड्रेस कोड में रहेंगी सभी, लाल साफा धोती कुर्ता, और हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है रेवाड़ी समाज का ऊंट, वो हमारे साथ रहेगा, जो 9 बजे 9:30 बजे से मंत्री साहब भजनलाल, ये अपने भूपेंद्र यादव जी और संजय शर्मा जी आएंगे, जो हमें हरी झंडी देंगे, और यहाँ से हम 9:30 बजे यहाँ से रैली हम निकाल देंगे, जो रैली अलवर के मुख्य शहरों से होकर निकलेगी, जिसमें एसएमडी सर्किल से लेके भगत सिंह सर्किल, काशीराम चौराहा से घंटाघर होती हुई कंट्रोल रूम और घोड़ा फेर होती हुई वापस एसएमडी सर्किल वापस आ जाएगी। कितने ऊंट हैं यहाँ पे? 15 ऊंट और 5 घोड़ियां हैं जो हमारे साथ रहेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप है। क्या पद है आपका? मैं यहाँ सदस्य हूँ श्री हरमल देवासी रायका सेवा समिति अलवर का। ये आसुराम जी हमारे, आप इनसे भी दो सवाल। कार्यक्रम में आकर के आज उनके समाज के उत्थान, शिक्षा और बाकी विषयों के बारे में भी चर्चा हुई है। रेवाड़ी समाज मेहनती समाज है, प्रकृति के नजदीक है, पशु प्रेमी है, मर्यादापूर्ण है। रेवाड़ी समाज में आध्यात्मिक और बड़ी अच्छी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, और हमारे तो मैं लगातार समाज के बीच में जाता रहा हूं, तो आकर के समाज को मैंने आज संबोधित भी किया और मैं सबका आभार भी व्यक्त करता हूं, और निश्चित रूप से रेवाड़ी समाज के सामाजिक शैक्षिक उत्थान के लिए उनके साथ मिलकर के काम करेंगे।